Hello everyone, I'm your friend, your host Badal Bhandari, and I welcome you in your favorite YouTube channel, that is Dogs, Your Friends Forever. Dear friends, बड़ी देर से डिमांड आ रही थी मेरी फैमिली की, ऑफ कोर्स आप सब की, कि शिह त्ज़ू डॉग ब्रीड के साथ में वीडियो बनाऊं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं शिह त्ज़ू ब्रीड के बारे में. सो आज आपके सामने लेके आया हूं दो शिह त्ज़ू बच्चे हैं. दे बोथ आर ग्रोन अप डॉग्स ऑफ कोर्स. ये मेल है, इसका नाम मर्फी है, और ये फीमेल है, इसका नाम हनी है. ये जो रिश्वत ले रही है मेरे से. ये जो ब्रीड के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, ये ठंडे इलाके की ब्रीड है, तिब्बत की ब्रीड है. बेसिकली छोटी सी ब्रीड है, इसको ये फन लविंग ब्रीड है. साइज़ बहुत बड़ा नहीं जाता, छोटा जाता है. एट द मैक्स 1 फीट के करीब शोल्डर हाइट जाएगी विद फर. जो बॉडी वेट है वो बहुत ज़्यादा नहीं जाता, 7-8 kg तक, 8.5 kg तक मैक्सिमम वेट जाएगा मेल का. जो फीमेल है 4-5 kg तक जाएगी. इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं. अगर हम कलर्स की बात करें, इसमें ब्राउन कलर आता है ऑलमोस्ट कॉफ़ी जैसा, वाइट एंड ब्राउन भी आएगा, वाइट एंड क्रीम कलर भी आएगा, ट्राई कलर भी आएगा, वाइट ब्राउन एंड ब्लैक भी कॉम्बिनेशन आ जाएगा, प्योर वाइट भी आ जाएगा, प्योर ब्लैक भी आ जाएगा. वो हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है हम कौन सा कलर लेना पसंद करते हैं. इनकी अगर मैं टेम्परमेंट की बात करूँ, ये बहुत अच्छे टेम्परमेंट के डॉग होते हैं. बहुत रेयरली होता है कि शिह त्ज़ू कोई गुस्से वाला हो. अगर वो गुस्से वाला होगा तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला होता है, लेकिन ये बच्चों के साथ में बहुत अच्छे हैं. ये स्पेशली उन लोगों के लिए ब्रीड है जो फ्लैट्स में रहते हैं, जो छोटे बच्चों के लिए डॉग रखना चाहते हैं, जो चाहते हैं हम एक ऐसा डॉग रखें जो लाइवली हो, जब हम घर पे आएँ वो हमें वेलकम करे, नाचता हुआ हमारे पास में आए, और वो वेट कर रहा हो हमारे पास में कि हम वापस आएंगे और वो हमारे साथ में खेलेगा. ये आपके साथ में ड्राइव पे जाना पसंद करते हैं, ये आपके साथ में वॉक पे जाना पसंद करते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं. अगर आप ड्राइंग रूम में बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, गपशप मार रहे हैं, तो डेफिनेटली दे वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ योर गॉसिप. क्या समझ में आएगा क्या नहीं वो अलग बात है, बट साथ में सोफे पे बैठना इनको बहुत पसंद है. ये उन लोगों के लिए हैं डॉग्स जो अपने डॉग को अलाउ करते हैं कि वो बेड पे उनके साथ बैठे, सोफे पे उनके साथ बैठे. ये उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है डॉग्स जो लोग कहते हैं भैया हमें डॉग से एलर्जी है, डॉग हमें टच ना करे, डॉग हमारे पास ना आए. ऑफकोर्स ये वैसे से इनके साथ बिहेव करोगे तो ये डिप्रेशन में आ जाएंगे, टेम्परमेंट भी डिस्टर्ब होगा और गुस्सा करने लग जाएंगे. इनको अगर आपने रखना है, आप इनको फन करवाइए एंड इन्जॉय करवाइए. हफ्ते में एक बार ही नहलाइए, और ब्रशिंग डेली कीजिए. दिन में 2 बारी ब्रशिंग कीजिए, कम से कम स्लीकर हेयर ब्रश के साथ में प्रॉपर ब्रशिंग कीजिए. जो ईयर्स हैं उनको अच्छे से मेंटेन कीजिए, बिकॉज उनके ऊपर बहुत सारे बाल रहते हैं, वैक्स वगैरह ना आए, वो सब चीज़ को हमें मेंटेन करना चाहिए. ये लो मॉफी, लो मॉफी, ये लो. नहीं, ये उन लोगों के लिए ब्रीड है जो इन्जॉय करना चाहते हैं डॉग को, जो डॉग के साथ में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि वो अकेले हैं, उनके साथ में कोई अच्छा सा प्यारा सा कंपेनियन हो. अगर उन्होंने कहीं ट्रैवल करना है, दे कैन टेक देम अलोंग, अपने साथ में घुमाने लेके जा सकते हैं, इन्जॉय करवा सकते हैं, पार्क में लेके जाइए आप. ये बेसिकली उस तरह की ब्रीड्स हैं. अगर आपको लगता है कि आपने किसी ऐसी जगह पर रखना है, मान लीजिए हमने इसे दिल्ली में रखना है, या राजस्थान में रखना है, या हरियाणा में, या पंजाब में रखना है, ऐसी जगह पर जहाँ ज़्यादा गर्मी होगी, तो आप इसको सैलून पे ले जाके आप इनका हेयर कट भी करवा सकते हैं. बहुत सुंदर से मेंटेन हो जाते हैं, नेल्स वगैरह प्रॉपर टाइमली मेंटेन करवाइए, इनके टाइम टू टाइम कटवाने चाहिए. इसके अलावा इनका जो लाइफ स्पैन है वो बहुत अच्छा है, 14-16 ईयर एवरेज इनका लाइफ स्पैन है. बड़ा ज़्यादा वेट भी नहीं गेन करते हैं, और बहुत ज़्यादा खाना पसंद नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा वॉक की भी ज़रूरत नहीं है, इजी टू मेंटेन है. अगर मैं उस वे से बात करूँ, एक्सपेंस बहुत ज़्यादा नहीं आएंगे इनको रखने के, लेकिन ख़रीदने के ऑफकोर्स आएंगे. इट इज़ नॉट अ चीप ब्रीड, सस्ते में नहीं मिलेगा इजीली. ये चीज़ का ख्याल रखिएगा जब भी आप शिह त्ज़ू खरीदें, वो शिह त्ज़ू ही होना चाहिए. शिह त्ज़ू के साथ में अगर ल्हासा एप्सो का कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो ऑफकोर्स उसका रेट भी डाउन जाएगा, और वो साइज़ भी बड़ा हो जाएगा, और मोर ओवर उसका टेम्परमेंट भी डिस्टर्ब हो सकता है. ये सब चीज़ों का ख्याल आपको रखना है. बहुत इंटेलिजेंट, बहुत लॉयल डॉग है, वॉच डॉग है. अगर कोई घर पे आएगा, आपको ये बोल के अलार्म करके बताएंगे कि भैया कोई गेट पे आया है या डोर पे आया, आप प्लीज़ चेक करिए. सो अगर आप छोटी सी ब्रीड रखना चाहते हैं, शिह त्ज़ू इज़ वन ऑफ द नाइसेस्ट ऑप्शन, आप रख सकते हैं. ये जैसे ये जो चुटकी है, इसका टेम्परमेंट ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा वेल बिहेव्ड है, और ये जो भाई साहब है ये थोड़े से एरोगेंट है, थोड़ा सा एटीट्यूड है भाई साहब का, और वो बनता भी है. जैसे ये ब्रीड है उस तरह का होता ही है. और सबसे एंड में, बट सबसे इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ बता दूँ, शिह त्ज़ू का जो मतलब है, दैट इज़ स्मॉल लॉइन,
छोटे लॉइन को शिज़ू बोलते हैं। सो आई होप ये जो वीडियो बनाया आपके साथ में ये शेयर कर रहा हूँ आपको ये पसंद आएगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आप कोई भी अच्छा टॉपिक मिस ना करें, किसी और के भी काम आ सके ये। इसके कोड को मेंटेन कीजिए वरना गांठें बन जाएंगी, जैसे जो मेल हैं भाई साहब इसके ईयर के पीछे छोटी छोटी नॉट्स हो रखी हैं, तो जब हम उन नॉट्स में ब्रशिंग करेंगे तो ही विल नॉट फील कम्फर्टेबल फॉर दैट। उसमें आप एक बार बिल्कुल छोटा हेयर कट करवा दीजिए, उसके बाद में जो नए बाल आएंगे उसकी ब्रशिंग टाइम टू टाइम करिए, उसे अच्छे से मेंटेन करिए। शिज़ू रखना है, मेक श्योर आपके पास में टाइम हो 5 मिनट सुबह 5 मिनट शाम को उसकी ब्रशिंग करने का, तो ये बहुत ही प्यारे ऑसम अमेजिंग ब्रीड है, अमेजिंग कंपेनियन है। थैंक यू सो मच, साइन दया करें आप पे, हम पे, हमारे पेट्स पे, सारी दुनिया पे। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।